एक चीज दिखाऊं, अगर आप भी मुआशरे के आते हाथों दबा दिए गए, मार दिए गए जहनी तौर पे, तो बस एक बात याद रखना, ये 10 लास्ट सेकंड्स के कौन सा दिन कब यादगार बन जाता है इंसान के लिए, जिंदगी बदलने के लिए। सामने स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है, डेट लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आज का डेट टाइम नोट कर लें, 26 जनवरी है, 11:18 हो रहे हैं। और कुछ तब्दीलियां मैंने अपनी प्रोफाइल पर कर दी हैं बहुत अरसे के एक्सपेरिमेंट्स के बाद, और बहुत कुछ जो कुछ किया गया और ग्रुपों में ब्लॉग बैन किया गया, ये जी लोग के लिए मैं अपडेट आज तैयार कर रहा हूँ। और तैयार क्या कर रहा हूँ, इसलिए रिकॉर्ड पर रख रहा हूँ कि जाहिर सी बात है, ये भी आप देखेंगे कि तैयारी और तब्दीली क्या है। वो ये है कि इस प्रोफाइल के ऊपर मैं कवर लग चुका है लेजेंडरी फ्रीलांसर का, और साथ में आपको कोरोना के हवाले से एक स्टेटमेंट भी नज़र आ रहा होगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपको देखेगा सिर्फ फाउंडर एंड CEO लेजेंडरी फ्रीलांसर विद पावर ऑफ अल्लाह लिव्स इन लाहौर। एंड ये एक पुराना, जब ये प्रोफाइल शुरू हुई थी दिसंबर के अंदर, तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें थी। एक तो ये था कि इस प्रोफाइल की स्टार्टिंग इस तस्वीर के साथ थी, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, ये जो प्रोफाइल थी इसकी स्टार्टिंग थी इस तस्वीर के साथ। इसमें क्या है, ये थी 11 दिसंबर 2020, ये थी पहली पोस्ट इस प्रोफाइल की। देख रहे हैं इसमें क्या है, ये इमेज रिप्रेजेंट करता है किसी को, जैसे कि इब्लीस, आप समझ लें इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ एक छोटा सा बच्चा जिसके एक हाथ में शील्ड और तलवार है, जो उसको एक तरह से ललकार रहा है, हाँ मैं उन लोगों में से हूँ, रेयर में से, जो जानता ही नहीं क्विट कैसे करते हैं। उसके बाद इसी प्रोफाइल के ऊपर ये तस्वीर लगी थी, इमेज दिख रहा है, ये क्या है पता नहीं, देखेंगे कभी फ्यूचर में। बस ये तस्वीर अलग ही थी और उसके साथ ये फ्रेम मिल गया था फेसबुक पर। फिर इस प्रोफाइल के ऊपर ये फ़ोटो, एक पोस्ट आई थी, इसकी तारीख थी December 11, 2020, ठीक है। और इसमें क्या लिखा था, ये पोस्ट, दिसंबर विल बी अ मंथ टू रिमेंबर, वाकई में कि गॉड इज़ गोइंग टू आंसर योर प्रेयर। तो दिसंबर के अंदर ही कोरोना वायरलेस ट्रीटमेंट का एक केस हुआ, उसके सबूत वगैरह मैंने जो लेजेंडरी फ्रीलांसर पे आपको मिलेंगे, बड़े पावरफुल हैं अल्लाह के फजल से, और उसके साथ जो सबूत बने वो भी बहुत पावरफुल हैं। फिर साथ में ये भी एक पोस्ट थी कि एक्सपेक्ट करना छोड़ दो, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो, लाइफ आसान हो जाती है। फिर साथ में एक ये था कि कोई केयर नहीं करता तुम्हारी स्टोरी की जब तक तुम जीतो नहीं, तो पहले जीतो, इट्स अ फर्स्ट विन। और इसके अलावा एक पोस्ट ये थी, यू आर अ मल्टी पोटेंशियल आइट थिंकर, इसलिए अंधे और ऐसे लोग जो हो सोचो गौर व फिक्र नहीं करते उनसे अपने आप को कंपेयर ना करो। और ये क्या लिखा है, पढ़ा ये पता है, लेजेंड्स ऑर्डिनरी वर्कर्स नहीं होते, वो लेजेंड्स होते हैं फॉर अ रीज़न। क्या रीज़न है वो, ये एक तस्वीर है मुस्लिम मैन फॉर कोरोना की, जो बैठा हुआ है। और ये एक पोस्ट, इसकी तारीख पता है क्या है, इसकी तारीख है 4 जनवरी 2021, क्या है, अनलीश योर लेजेंड, मतलब समझते हो इसका, अब लेजेंड को अनलीश कर दो। तो काफ़ी अर्से इस प्रोफाइल में जो भी कुछ हुआ, दिसंबर से स्टार्टिंग, फिर दिसंबर के बाद कोरोना वायरस का केस मिल जाना, फिर उस पर प्रोग्रेस होना, फिर सबूत बनना, और अब आपको दिखेगा ये कोरोना क्या कह रहा हूँ, ये आपको मेडिकल, और ये कुछ दिख रहा होगा वेंट मशीन, और इस पर सेचुरेशन। तो क्या होने जा रहा है, पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होने जा रहा है। तो मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, जो होगा वो तो वक्त बताएगा, जिसने जितना कुछ किया, जो भी किया, और कितने लाखों लोग मर गए दुनिया में, तो वो तो अल्लाह खुद ही हिसाब किताब कर लेगा दुनिया वालों से, जो भी शामिल था। बहरहाल अब आगे देखेंगे, ये तो फ़िलहाल आज के लिए जी लोग के लिए क्या है कि जो लेजेंड है, यानी कि लेजेंडरी फ्रीलांसर, ये 5 घंटे पहले का दिख रहा है आपको, 5 घंटे पहले January 26, 2021, और बाकी छोड़ दो वेबसाइट के ऊपर क्या है, लेकिन मैं उसका एक चीज़ दिखाता हूँ, बस ये पढ़ लें आप, इस पर क्या तारीख लिखी है, ये कल का दिन था, गुजर गया, अपडेट हुआ था वेबसाइट पे 25 जनवरी 2021, कुछ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, बस जो लिखा हुआ ना ये आप वीडियो पे ही देख लो, हाँ वीडियो में तुम्हें इसका सबूत रहता है, हाँ भाई वीडियो पर है, ये है थी, ये यही डेट लिखी थी। और एक और चीज़ अब देखो, माजी की, एक इससे भी पहले माजी की, जब लेजेंडरी फ्रीलांसर का डोमेन रजिस्टर हुआ था और वेबसाइट वगैरह बन रही थी, तब की ये पोस्ट थी, रिटर्न ऑफ द लेजेंड, क्या लिखा था ये, 15 मार्च 2020, माजी गुजर गया,
ये माजी में लिखी थी ये स्टेटमेंट, और जो ये लिखी थी ये सामने मौजूद है, समझे? आगे दिखाऊं, 15 मार्च के बाद द किंग क्वेस्ट, द किंग क्वेस्ट आफ्टर 15 मार्च, वो तारीख देख ली थी जब था, फिर ये था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 21st सेंचुरी सिंस द बैटल डिड नॉट एंड। और उसके साथ आप ये भी देखोगे इसी वेबसाइट पर, राइजिंग अबव द ओवर्स इन द 21st सेंचुरी बाय अल्लाह, और यहाँ पर एक फोटो है जो रिटर्न ऑफ द लेजेंड आफ्टर रिजरेक्शन। क्या है ये रिजरेक्शन, क्या चीज़ है ये, तो आपको लेजेंडरी फिलॉसफर पे पता लगेगा रिजरेक्शन का मतलब होता क्या है एक्चुअली। अब तो आज 26 जनवरी तो ये सबूत बन रहा है इस बात का कि वाकई में वीडियो वेबसाइट पे वाकई में ऐसा लिखा है। और अब आपको ये भी दिखा देते हैं इसी पेज पर स्टोरी, कम बैक स्टोरी पे लास्ट जो लगी थी पोस्ट, लास्ट जो पोस्ट हुई थी अपडेट स्टोरी पे, वो नवंबर 12, 2020 की थी, जिस पे लिखा था द लेजेंड हैज स्टेप इनटू द एरिना फाइनल मोमेंट्स। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद था एक और ट्रेलर जी। ये कौन है ये रोता हुआ इंसान, ये कौन रो रहा है भाई, हैं ना रो बच्चे ना रो, अभी सही वक्त पर चीज़ें आती है, ना रो। तो आगे देखें आप क्या था, ये दिखा दें क्या था, द रिजरेक्शन सर्विस के साथ। क्या तारीख थी जब ये लिखाई थी ना ये पोस्ट, जब नवंबर 23, 2020 थी। मैं आपको माजी की कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ अभी अभी बैठ के, माजी की डेट्स की, जब स्टैंप्स लगी हैं, जब ये लिखी गई, जब ये पोस्ट की गई हैं, तब की बात है, और आगे के बारे में, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस हो रही हैं, बातें हो रही हैं, दावे हो रहे हैं। आखिर कैसे हो रहा है ये तो वक्त बताएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर ये वीडियो में बन रहा है ना तो ये भी सबूत बन रहा है। जी लोग के साथ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड जी, आखिर लेजेंडरी फ्रीलांसर ने अल्लाह के वजह से कदम उठाया है, कदम जमाया है, तो ऐसे ही चीज़ें दिखेंगी ना जो अनएक्सपेक्टेड किस्म की हो। अरे हाँ ये भी तो आप देख लो, अगर आप बहुत ही खौफजदा हो, जहनी तौर पर दबे हुए मुआशरे में, पिसे हुए दबे हुए, अरे फिक्र क्यों करते हो, ये देखो आप राइज अप शाय वॉरियर। ये नीचे देखो क्या बना हुआ है, दिख रहा है क्या है ये चीज़ मेरे अजीज, परेशान क्यों होते हो, फ्रीलांसर्स डैन है ना अल्लाह के फजल से, जाओ ज्वाइन करो और अपने खौफ को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करो और अपने खौफ को हराना शुरू करो, क्योंकि ये तो होना ही था अल्लाह के फजल से। अब वैसे एक चीज़ दिखा दूँ वीडियो बंद करने से पहले, 10 मिनट होने वाले हैं आखिर के, बस लास्ट मिनट चल रहा है, डुअल कैमरे पे इतनी लिमिट होती है। ये लिखा हुआ था कुछ, ये पढ़ लो, सामने स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है, डेट लिखी हुई है, ये कभी याद आएंगी आप जाओगे तो, माजी की है, माजी और फ्यूचर मिक्स चल रहा है, लेकिन इसके नीचे कुछ आने वाला है। ये चीज़ ये भी माजी में था लेकिन एक दावा था, क्या दावा था पढ़ लो, पढ़ लिया ना, अगर आप भी मुआशरे के हाथों दबा दिए गए, मार दिए गए ज़हनी तौर पे, तो बस एक बात याद रखना, ये 10 लास्ट सेकंड्स के अल्लाह मदद करता है तो बहुत कुछ मुमकिन है अल्लाह के फजल से। एक चीज़ दिखाऊं, आज टाइम देखो 26 जनवरी है और 5 बजने वाले हैं, और वो उड़ गया, देखा उड़ गया, सामने बैठा हुआ था इधर, देखा था यहाँ शाहीन बैठा था, मैं आया सामने था और इस मोमेंट पे था, वो इस मोमेंट पे मैं कुछ कर रहा था, बल्कि कर क्या रहा था, कंप्लीट हो गया था, बस बटन दबाना था, तो मैं ऐसे ही आया गैलरी में, तो मैंने देखा तो कोई बैठा है सामने, हालांकि कौवा नहीं था और वो एकदम उड़ गया, तो क्या उसमें था पता नहीं क्या था, रिफ्लेक्शन थी कोई, काम ही ऐसा हो रहा था, कुछ तो है, उड़ गया बैठा हुआ शाहीन, उड़ गया वाकई, उड़ गया क्या मतलब इस बात का, शाहीन उड़ गया, देखेंगे। ओके जी लोग के साथ होता ही है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड तो चलता ही रहता है। इससे पहले कि मैं बंद करूं, टाइम वही है, आपको मैं चीज़ दिखाता हूं, देखो ऊपर देखना, ये देखो सारे, ये देखो क्या आया हुआ है, दिख रहा है, हालांकि मैं इस वक्त कराची में हूँ, तो दूसरे घर पे हूँ अपने किसी, जहाँ पे आया हूँ, ये सारे अभी चले गए बिल्कुल सर पे, इधर इधर सब इधर आगे मंडा रहे थे, मेरा मोबाइल ना गिर जाए नीचे, मैं बिल्कुल झुकाव करता हूँ,
तो अब वो चले रहे हैं दूर, ठीक है। ये सारे अभी आए थे और मैं चाह रहा था दिखाऊं, लेकिन ये इधर थे सब, इधर छत के इधर, बिल्कुल इधर। मैंने दिखा था ना वो भी जो शाहीन था, तो ऊपर सारे फिर रहे थे, मैंने गौर नहीं किया, वो अचानक आके सारे फिरना मंडलाना शुरू हो गए थे और अब भाग गए आ गए। अगे दो हैं, नहीं नहीं वो रश होता ना, वो अचानक रश आके सारा मंडला रहा था ऊपर, पता नहीं क्यों मंडला रहा था, फिर आ गया वो इधर आ गया कराची में, कराची में भी ये हो गया, लाहौर की छत पर होता मेरे साथ ऐसा। तो आज क्या है, 26 जनवरी 2021 है, क्या पता ये दिन यादगार हो, है ना। कुछ पता तो है नहीं, है कुछ पता तो है नहीं, कौन सा दिन कब यादगार बन जाता है इंसान के लिए, ज़िंदगी बदलने के लिए, उसको भी नहीं पता होता, ये तो अल्लाह को मालूम है कब क्या होने वाला है। तो आज क्या होने वाला है, हैं देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लेजेंडरी फ्रीलांसर देख लीजिएगा जाके बिजनेस वेबसाइट, हाँ जी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। चलें जी, वो तो चला गया, अब भी चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।